जी तो नाज़रीन, इस वक्त जिस शख्स के साथ मैं मौजूद हूँ उनकी तारीफ़, ज़ाहिर है जब तारीफ़ करने जाऊँगी तो शायद बहुत सारे घंटे निकल जाएंगे, लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारी अपनी मेमन कम्युनिटी के लिए भी, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए उनकी खिदमात जो है वो जारी और सारी है, और वो नहीं रुकते, वो नहीं थकते इंसानियत की खिदमत करने से, और वो नहीं डरते किसी भी चीज़ से। तो मालूम करते हैं आज जो इवेंट था GFS का, कोलैबोरेशन थी शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के साथ, तो मालूम करते हैं कि आज इवेंट के बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यही मुबारकबाद दूंगा सबसे पहले इरफान वाहिद साहब को, GFS बिल्डर की पूरी टीम को, कि जिस तरह से इरफान वाहिद साहब और GFS बिल्डर इंसानियत की खिदमत में पेश पेश हैं, उसी तरह से मैं समझता हूँ इस वक्त कराची में सबसे टॉप बिल्डर्स में नाम इरफान वाहिद साहब का, GFS बिल्डर का आ चुका है। लोगों का एतमाद बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर और लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं इनके प्रोजेक्ट्स का, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके TV चैनल्स का भी और पूरी मेमन कम्यूनिटी का शुक्रिया, जो इस तरह के फलाई कामों में पेश पेश होते हैं और बिला तफरीक रंग नसल सबकी मदद करते हैं। और हमारी नेक तमन्ना है इंशाल्लाह इरफान वाहिद साहब के साथ हैं और हम इनके साथ साथ खड़े हैं हमेशा। थैंक यू सो मच।